हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे बालों को नेचुरल कलर देने के लिए बिना पार्लर जाए हुए ऐसी रेमेडी तैयार करने वाले हैं जिससे नेचुरल हाइलाइटिंग हो जाएगी हमारे बालों में। तो आइए देखते हैं कैसी है वो रेमेडी। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस चाय की पत्ती को ले रही हूँ। नेचुरल कलर होता है इसके अंदर, एक कॉफी सा ब्राउनिश का कलर होता है। मैं इसे अच्छे से बॉईल कर रही हूँ। अब नेक्स्ट मैं ले रही हूँ इसमें बीट रूट। बीट रूट को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लाया है, वॉश करके कट करके ग्राइंड किया है मैंने, एंड देन इसके अंदर डाला है मैंने। ये जो चाय पत्ती का वाटर था उसके अंदर मैंने इसे डाला है। वैसे तो मुझे चाय की पत्ती और बीट रूट के जो गुडनेस है वो बताने की आपको जरूरत नहीं। आप सभी जानते हैं कि बालों को रंगने, बालों को कलर करने के लिए वर्षों से, बहुत पुराने टाइम से ही हम चाय की पत्ती का पानी मेहंदी के अंदर मिलाकर यूज कर रहे हैं जिससे हमें एक अच्छा सा कलर मिले। और बीट रूट तो एक नेचुरल कलर है ही सही। तो नेचुरल तरीके से हम इसे जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बालों में थोड़ा सा बाउंस भी आता है, वॉल्यूम आता है, साथ ही कलर तो आता ही है। हम जाकर महंगे महंगे हाइलाइट्स वगैरह कराते हैं, कलर करते हैं, लेकिन अगर एक महीने तक हमें इससे इस्तेमाल करें, इस टोनर को बना रही हूँ मैं, अगर आप चाहें तो इस वाटर में मेहंदी को इस्तेमाल करके बालों में पैक भी बना सकते हैं। लेकिन आज अपन बात करते हैं टोनर की। तो टोनर को मैंने हमेशा से बताया कि दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। अगर आप दिन में 3 बार नहीं कर सकते हैं तो 1 बार तो एटलीस्ट करें। तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपके बालों का जो कलर है वो बरगंडी होने वाला है, और जो व्हाइट हेयर्स हैं, व्हाइट हेयर है, ग्रे हेयर है, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम धीरे धीरे से कम होगी, बिल्कुल हटेगी नहीं। ये कोई जादू नहीं है, मैजिक नहीं है। और अब मैं नेक्स्ट डे बना रही हूँ है क्रीम। क्रीम बालों के लिए बना रही हूँ मैं। आप चाहें तो इसे आप दो मुहे बालों पे लगा सकते हैं, स्प्लिट इंड्स पे लगा सकते हैं, इसको कंडीशनर के तौर पे भी इस्तेमाल। नेक्स्ट मैं ये जूस ले रही हूँ, जिसके बाद मैं एक ग्लिसरीन ले रही हूँ। ग्लिसरीन आप सभी जानते हैं बालों को साक्षात मॉइस्चर है बालों के लिए। ये तो दो मुहे बालों के लिए तो बहुत अच्छी रेमेडी है ये। तो मैंने 2 चम्मच 3 चम्मच तो जूस ले लिया है, ग्लिसरीन ले लिया, और अब मैं ले रही हूँ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बालों की ग्रोथ के लिए। तो आप इस जो क्रीम को मैं बना रही हूँ इसको जड़ों में रात को लगा कर, मतलब नाइट टॉनिक भी बोल सकते हैं हम इसे, डे में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये कैस्टर ऑयल ले रही हूँ, अरंडी का तेल। पहले मैंने ग्लिसरीन लिया है और 2 चम्मच उसमें जूस लिया है मैंने, जो हमने प्रिपेयर किया था टोनर के लिए। और नेक्स्ट मैं इसमें ले रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल से इसमें एक क्रीमी टेक्सचर आएगा और बहुत प्यारी सी क्रीम बनकर तैयार होगी हमारे सामने। और हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने में हमें काफ़ी कन्वीनियंट होगा, क्योंकि हम इन तीनों चारों चीज़ों को अलग अलग तो लगा नहीं पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हमारे बालों को इनकी गुडनेस नहीं दे पाएंगे। तो अब मैंने ले लिया है एलोवेरा जेल। आप मार्केट वाला ही लें, क्योंकि अगर आप नेचुरल लेंगे तो एक क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी इसकी नहीं बन पाएगी और हम इसको लगा भी नहीं पाएंगे। जब चीज़ अच्छे से दिखती है तो हम उस एप्लीकेशन का भी मन करता है। तो देखिए, मैंने अच्छे से इसको विस्क कर लिया है। ये देखिए, अच्छे से इसको ऐसे स्टर करना, उसकी वजह से इसमें एक क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी और आपको लगाने का भी बहुत ज़्यादा मन होगा। आप चाहें तो इसे लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया पहले 2 मुहे बालों पे अप्लाई कर सकते हैं और जड़ों में आप इसे लगाएं। इसमें कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल बालों को जड़ से मजबूत करता है और ग्रोथ देता है, बहुत फास्ट ग्रोथ देता है, बालों का विकास करता है, मजबूती देता है, जड़ों को पोषण देता है अपने स्कैल्प को। तो इस क्रीम को जरूर बनाएं और आप इसे ओवरनाइट भी लगा सकते हैं, 1 घंटे के लिए सुबह भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। मैंने इसे बना रखा है 1 पेच, तो इसे 1 महीने तक अप्लाई करें अपने बालों में। तो इसी प्रकार से इसे बनाना है। इसकी गुडनेस तो मैंने आपको बताई दी। इसे कांच के कंटेनर में आप 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो, 15 दिन बाद आप नया बैच बना सकते हैं। मैंने इसे बना रखा है, मेरा फ्रिज में पड़ा है, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो मैंने आपके लिए, आपके साथ शेयर करना सही समझा तो मैंने कर दिया। तो आपको वीडियो पसंद आती है थोड़ी सी भी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और वीडियो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैंने इसे तैयार कर लिया है और अब जो टोनर बनाया उसे मैंने स्प्रे बोतल में सेपरेट कर लिया है, और इसका टोनर का हम अपन महीने भर इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे जैसे हम देखेंगे हमारे बालों में कलर आना स्टार्ट हो जाता है, ये देखिए। और इसको आपको करने के बाद आपको कोई शैम्पू नहीं करना, 2-3 दिन तक आप इसका ऑयल लगा सकते हो, या फिर आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं इसका एप्लीकेशन करने के बाद। इसमें ना चिपचिप है ना कोई प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, तो आप इसे ठंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसा आप कर सकते हैं, गर्मियों में कोई परेशानी होती नहीं है। तो इसे जड़ों में लगाना है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बालों में नेचुरल कलर
आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें, जितना नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेनिफिशियल आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि अपन बनी बनाई चीजें ले आते हैं और उनको इस्तेमाल करने लग जाते हैं, उससे हमारे बालों में और ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, हमारी स्किन में और ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो नेचुरल चीजों का, ये किचन इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई चीजें, चाय पत्ती सबके घर में होती है, बीटरूट तो हम लाते ही हैं सलाद के तौर पर खाने के लिए। तो इस प्रकार से आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया, तो एक लाइक जरूर करें।